दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, हम जो है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं और हम जो है हमने नाइट स्टे मुंबई में ही किया था क्योंकि नासिक से लगता हुआ जो है शिरडी बाबा मंदिर है और शनि मंदिर है, तो वहां से जो है हम रात को 11-12 बजे पहुंचे थे और सुबह जो है हम मुंबई में ही रुके हुए हैं। और हमने जो है यहाँ पर चेकआउट कर लिया है अभी सुबह के टाइम पर, रात में हम मुंबई रुके थे, सॉरी। तो अब हम जो है महाराष्ट्र घूमेंगे और चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में और हम कहाँ कहाँ घूमते हैं, क्या क्या करते हैं आपको भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं सुबह सुबह ताज होटल, यहाँ से दिखता है लेकिन हम आए हुए हैं गेट ऑफ इंडिया। देखो ये है ताज होटल, पुराना वाला और नया वाला उसके सामने बना हुआ है। ये है गेट ऑफ इंडिया, इसके बैक साइड जो है समुद्र है। ये जो तंबू जैसे बने हैं जिसका रेड कलर है, ये है पुराना वाला ताज होटल, और जो ये लाइट वगैरह है जो यहाँ पर, यह है नया वाला ताज होटल। यानी यहाँ पर जो है 26 नवंबर 2008 को जो आतंकियों से जो हमला हुआ था ना, वो जो है इसी ताज होटल में हुआ था। ये देखिए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, ये है मुंबई का ताज होटल जहाँ पर आतंकियों ने, ये समुद्र है देखिए, यहाँ पर मैं आपको समुद्र दिखाती हूँ, यही समुद्र से आकर के जो है उन्होंने यहाँ पर बम विस्फोट किए थे और कई लोग जो है यहाँ पर मारे गए थे। ये देखिए इसी तरीके से ये बोटिंग है और लास्ट जो समुद्र का है वहीं से जो है वो लोग आए हुए थे पाकिस्तानी। तो इस तरीके से जो है ये ताज होटल है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा था बाहर से। और ये है गेट ऑफ इंडिया जो दिल्ली में भी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत बहुत जो है ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर इस टाइम पर दिसंबर में भी, तो हमने यहाँ पर नींबू पानी पिया और इतना अच्छा लगा और इतना टेस्टी लगा नींबू पानी, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हम अब आए हैं बूट हाउस, यहाँ पर हमने फ़ोटो वगैरह खिंचाई और सिंपल यहाँ पर जो है पार्क वगैरह था। देन उसके बाद जो है हम बांद्रा के लिए निकले। बांद्रा में जो है बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के घर हैं जो मैं आपको जो है वन बाय वन दिखाती रहूँगी और आप भी जो है देखते रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है गाड़ी रोकना और वीडियो बनाना फिर उसके बाद फ़ोटो खिंचाना पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ईसा अंबानी का घर, ये है मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी को गिफ्ट किया है जिसके अभी ट्विंस बेबी हुए हैं करंटली, जो अभी यहीं पर रह रहे हैं। और नीचे देखो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। नेक्स्ट है राकेश खन्ना का घर, जो है ट्विंकल खन्ना के पापा, उनका ये घर है। फर्स्ट फ्लोर है स्वर्गीय श्रीमती लता मंगेश्वर जी का घर है, ये है संजय दत्त का घर है, बसेरा उनके घर के आगे लिखा हुआ है, ये है संजय दत्त का घर। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ मन्नत, मन्नत के ठीक सामने जो है लवर पॉइंट भी है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है मत पूछो, कि शाहरुख खान के घर के आगे हर कोई फोटो खींच रहा है या वीडियो बना रहा है। ये नेक्स्ट है सलमान खान का घर, यहाँ पर भी जो है बहुत सारी ऐसी जो है इंस्ट्रक्शन थे, बिल्कुल रुकना अलाउ नहीं था, इनके जो गार्ड वगैरह हैं सबको हटा दे रहे थे। तो जितनी मेरे से हो सकी मैंने आपके लिए जो है उतनी वीडियो बनाई और आपने भी इंजॉय करा होगा, मैंने भी फुल फुल इंजॉय करा। बाय बाय कहने का टाइम आ गया मुंबई को और हमारे ब्लॉग जो हैं अब यहीं पर तक थे। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आती है। तो हमें जो है बांद्रा में जितने भी जैसे सलमान खान हैं, शाहरुख खान हैं और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके जो है मैंने घर वगैरह देखे थे, तो उनके सारे घरों के जो है मैंने वीडियो वगैरह बना दी हैं। और अब जो है अब यहाँ पर बाय बाय हो रहा है और ब्लॉग भी अब यहीं पर ख़त्म होते हैं, अब हम अपने घर को जा रहे हैं हल्द्वानी को।